दोस्तों हम आ चुके हैं देवी तालाब मंदिर। ये बाहर का नज़ारा है देवी तालाब मंदिर का, रोड के साइड कितना सुंदर दृश्य है जो कि आप देख रहे हैं। दोस्तों ये देवी तालाब का मेन गेट है, दोस्तों हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर जो कि अभी आप देख रहे हैं। इस सामने धर्मशाला है, हम नज़दीक जाकर तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये धर्मशाला है देवी तालाब मंदिर में ही, अगर कोई बाहर से आता है तो यहाँ पे रुक सकता है आकर के, रूम भी बहुत अच्छे हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं दर्शन के लिए, चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। वीडियो में आप बने रहें, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों हमने भी कैमरा फ्रंट सेट कर लिया है, थोड़ा सा मस्ती करते हुए आगे चल रहे हैं। आज संडे का दिन है तो रश थोड़ा ज़्यादा है। दोस्तों देखिए भीड़ कितना है, संडे वाले दिन लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा हमें। अब हम मंदिर के अंदर पहुंचने वाले हैं, मंदिर के अंदर हम पहुंच गए, अब आप माता रानी के दर्शन करिएगा। तो चलिए दोस्तों ये है त्रिपुर मालिनी धाम, जिसे हम शक्तिपीठ धाम भी बोलते हैं। चलिए हम आपको आगे दर्शन कराते हैं। दोस्तों ये है शक्तिपीठ माँ का दरबार जो कि अभी आप देख रहे हैं। यह है शक्तिपीठ माँ का दरबार, अंदर बहुत भीड़ है।
तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। आगे काली मंदिर है। काली मंदिर का आपको दर्शन कराते हैं हम। दोस्तों, हम काली मंदिर में पहुंच चुके हैं। आप देखिए अंदर का कितना सुंदर नज़ारा है। और आगे हम आपको माता काली का दर्शन भी कराते हैं। ये सामने जो मंदिर है माता काली का है। आपने काली मंदिर का दर्शन कर लिया, अब हम आपको चलते हैं राम मंदिर का दर्शन कराते हैं। दोस्तों, ये है श्री राम मंदिर, जो कि आप देख रहे हैं कितना अच्छा मंदिर है। वैष्णो जी का गुफा, अब तो बहुत भीड़ है इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे। संडे वाले दिन बहुत भीड़ है। दोस्तों, हम आ चुके हैं अमरनाथ गुफा। अभी हम अमरनाथ गुफा की आपको दर्शन कराएंगे। ऊपर चढ़ाइए चढ़ा चलने सकता है। झरना लगा हुआ देखिए। दोस्तों, अब हम अमरनाथ गुफा की चढ़ाई करेंगे। वीडियो में आगे बने रहे आप।